तो हम जस्ट XSR 155 के बारे में बात ही कर रहे थे कि इतने में यामा ने एक सरप्राइज दे दिया हमको XSR 250 का स्पाई शॉट्स लीक करके टेस्ट राइड करते हुए। यमुना एक्सप्रेसवे में ये टेस्ट राइड हो रही है। ये बाइक असल में कैसे दिखती है आपका भाई इस चैनल में आपको बताएगा। उससे पहले एक सवाल का जवाब कि यामाहा इंडिया में एक एडवेंचर बाइक लाने का प्लान कर रही है, अब वो कौन सी एडवेंचर बाइक है आपके हिसाब से आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए फटाफट इस बाइक का रिव्यू करते हैं। क्यू म्यूजिक। इस बाइक के लुक और डिजाइन को देखो तो आपको पता चलता है कि ये प्रॉपर XSR फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको इंजन मिलने वाला है वो FZ25 का सेम 249 का इंजन आपको थोड़ा सा ट्यून अप करके मिलेगा। इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है 1.75 लाख के आसपास, जो कि सीधा टक्कर देगा रॉयल एनफील्ड को, जावा को, होंडा 350 को, हस्क्वर्ना को, जिक्सर 250 को। कम प्राइस में रेट्रो बाइक, ज्यादा माइलेज, ज्यादा परफॉर्मेंस, यामाहा। तो ये है वो XSR 250 जो कि आपको मिलने वाला है। ये एक्चुअल इमेज है जो कि आप एक्सक्लूसिवली मेरे चैनल पे देख सकते हो। ये 249 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है BS6 कैटकॉन के साथ में, जो कि आपको मिलेगा। अब ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है या 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है ये अभी तक क्लियर नहीं किया है यामा ने, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ना ही आए तो बेटर है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में, ये ज्यादा हॉट केक की तरह सेल करेगा। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करें इसके कलर वेरिएंट के बारे में तो ये मेटालिक कलर और मैट कलर में आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। और दूसरी बात लॉन्च की बात करें तो भूल ही गए, लॉन्च जो है आज से एक साल के, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लो रखो क्योंकि आज से एक साल के अंदर ये कभी भी लॉन्च हो सकता है, मोस्टली अगले साल के जून से पहले। सो इट्स टाइम फॉर रैप अप। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे कमेंट सेक्शन में हाई लिखा तो भी चलेगा और उस सवाल का जवाब देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलता आपको नए न्यूज़ और अपडेट के साथ में बहुत ही जल्द। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।